हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है जो कि कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस वन, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव, वेयर टी इज टाइम है। देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है एट टी इज इक्वल टू वन पे। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस वन, वाई की वैल्यू टी स्क्वेयर, जेड की वैल्यू टू टी प्लस फाइव दिया गया है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स बाई डी टी, मतलब जो एक्स दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा? थ्री टी स्क्वेयर आएगा। थ्री बाहर आ जाता है, फिर टी टू माइनस वन होता है ना, थ्री माइनस वन, तो थ्री टी स्क्वेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कौन से टाइम पे। टाइम हमारे पास क्या दिया है? ए एट टाइम इज इक्वल टू वन। वन पे क्या आएगी? जब हम टी की जगह वन रखेंगे तो हमारी वेलोसिटी आएगी थ्री मीटर पर सेकेंड। वैसे ही इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? डी वाई बाई डी टी, जो कि आएगा टू टी। अगर टाइम टी इज इक्वल टू वन पे निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? टू मीटर पर सेकेंड आएगी। वैसे इसकी भी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। डी जेड अपॉन डी टी ये आएगा। यहाँ पर टी कुछ नहीं है तो बस ये टू आ जाएगा। टाइम वन पे निकालेंगे तो यहाँ पर टाइम रखने का तो कुछ है नहीं, तो बस वेलोसिटी हमारे पास टू मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और फिर उसके बाद हमारे पास पूछा गया है कि एक्सेलरेशन भी बताना है। देखिए, एक्सेलरेशन भी बताना है एट टाइम इज इक्वल टू वन पे। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी होता है उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब वेलोसिटी देखिए, थ्री टी स्क्वेयर है तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टी, और इसमें टाइम क्या पूछा है? वन पूछा है। तो वेलोसिटी अगर टी की जगह वन रखेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इसका भी वेलोसिटी डी वी बाई डी टी निकालेंगे तो इसका टू आएगा। और जब टाइम इज इक्वल टू वन रखेंगे, एट लिख दो, एट टाइम इज इक्वल टू वन रखा जब, तो ये एक्सेलरेशन आ गया टू मीटर पर सेकेंड। ठीक, और इसका जेड का निकालेंगे तो जेड का देखिए डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पर जेड में सिर्फ टू ही बचा है, ये कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? ज़ीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।